हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम करेंगे क्लास टेंथ चैप्टर सेवन। चैप्टर सेवन क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें हम आपको चैप्टर सेवन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि इसके अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर हम कौन से फार्मूले यूज करेंगे और किस टाइप के हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपको फार्मूले अच्छी तरह आ गए तो आप इस चैप्टर को इजीली कर सकते हो बच्चों। और बच्चों, आप जानते हो कि इसके अंदर HBSC के अंदर कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और CBSE के अंदर भी 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए बिल्कुल इजी चैप्टर है और आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं। आपको बताते हैं कि इसमें हम कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर फॉर्मूला है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हम यूज करते हैं, तो वो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसमें देखिए बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला नाम से ही लग रहा है, डिस्टेंस। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि ये देखिए, हमारे पास एक लाइन है और हमने यहां पे 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने P, इसको नाम दिया हमने Q। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इनको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने X1 लिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट Y1। ठीक है, पेयर्स में लेंगे इनको। P के पॉइंट हो गया X1 Y1, ऐसे ही Q के पॉइंट लेंगे हम X2 Y2। ठीक है, Q के पॉइंट क्या लेंगे? X2 Y2। अब ये क्या कहता है कि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, यानी कि 2 पॉइंट के बिटवीन हमने क्या डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये होता है, PQ इज इक्वल टू, हम यहां पे लेंगे अंडर रूट, यहां लेंगे X2 माइनस X1, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा। जहां भी हमारे पास पेयर्स में 2 पॉइंट दिए होंगे और उनके बिटवीन हमने डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। तो बच्चों, आ गया समझ में? बिल्कुल इजी आपका ये फॉर्मूला है, आप बिल्कुल इजी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी में क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन 7.1 के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन आता है, उसके अंदर पूछता है कि अगर इफ एनी 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर क्या होता है? ठीक है बच्चों, हम इसमें बता देते हैं आपको कोलिनियर। ठीक है, तो ये कोलिनियर हमने फाइंड करना है। ये कोलिनियर के लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया, यहां लिख दिया ए पॉइंट हमारा है X1 Y1। ठीक है, पेयर्स में होंगे। पी पॉइंट है यहां पे X2 Y2 और सी पॉइंट है यहां पे X3 Y3। ठीक है, ये हमने क्या लिया, यानी कि हमने एक ट्रायंगल ले ली। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल ली, इसमें ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है, या फिर आप यहां, हम ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे, हम यहां पे ट्रायंगल का एग्जांपल नहीं देंगे। इसमें क्या करते हैं, हम एक लाइन ही ले लेते हैं। हमने क्या लिया, ये लाइन ले ली। ठीक है, इस पे हमने 3 पॉइंट लिए। ठीक है, ये हमने ए पॉइंट ले लिया, ए हमने क्या माना है X1 Y1, यहां हमने बी पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है X2 Y2, यहां सी पॉइंट के X3 Y3, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ले ली। ठीक है, तो ये कहता है कि कोलिनियर। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर के लिए हम क्या करेंगे,
यहां से डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, ए बी बी सी और यहां ए सी, ठीक है, तीनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, जैसे कि हमने फॉर्मूला बताया है इससे फाइंड करेंगे, ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे बीसी को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, यहां ए बी को यहां बीसी को फाइंड किया, ऐसे ही हमने एसी को फाइंड कर लेना है, यहां हमने एसी को फाइंड कर लिया। फिर बच्चों आपने क्या करना है, यहां से अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आता है तो ये क्या होगा, पॉलिनियर होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, इट इज पॉलिनियर। और अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो यहां से बच्चों अगर ये आता है ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट कोलिनियर। तो यहां से ये नॉट कोलिनियर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका 7.1 के अंदर थर्ड क्वेश्चन है कोलिनियर के लिए, तो मैंने कोलिनियर के लिए ही इसमें बता दिया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम यही यूज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्या कहता है, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूं। इक्वी डिस्टेंस कोई भी पॉइंट इसमें देता है कि कोई भी एनी पॉइंट टू पॉइंट से उतना ही इक्विडिस्टेंस है, जो फर्स्ट पॉइंट से जितना डिस्टेंस है वही सेकंड पॉइंट से। फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये बोला अब यहाँ पे ए बी सी है, तो यहाँ बी को कहता है कि बी क्या है, इक्विडिस्टेंस है किसके, जितना ए से डिस्टेंस है उतना ही इसका सी से डिस्टेंस है, ठीक है, ए से जितना डिस्टेंस है, यहां पे ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये बी से भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विडिस्टेंस। और इसको हम फाइंड क्या करते हैं वो हम क्वेश्चन के अंदर बताएंगे। वैसे हम जैसे अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से इनको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये वाला लग जाएगा, इस साइड भी लगा देंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, और दोनों को इक्वल कर देंगे और ये वहां से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये बच्चों ये तो हमारी एक्सरसाइज 7.1 के मैंने आपको फॉर्मूले बताई है। अब मैं 7.2 के आपको फॉर्मूले बताता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड 7.2 का एक्सरसाइज 7.2 का जो उसके अंदर हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला क्या है, इसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में हम देखिए कैसे निकालेंगे। यहां देखिए मैंने एक लाइन ली, यहां मैंने पॉइंट ले लिए, दो पॉइंट लिए, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहां पे मैंने ये यहां पे सी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, यहां हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लिए, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मैंने पी ले लिया, पी के कोऑर्डिनेट पॉइंट यहां पे एक्स और वाई ले लिए, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ले लिए, ठीक है, यहां सी नहीं ले रहे हम, इसको पी ले लेते हैं, पी के हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स वाई ले लिया, और यहां पे हम क्या लेंगे, रेशियो ले लेते हैं, हमने रेशियो ले लिए एम रेशियो एन, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यानी कि सेक्शन बना लिया हमने। तो यहां से देखिए इसके हमने पॉइंट लिए, ए के पॉइंट ले लिए एक्स वन वाई वन, पीएस कोऑर्डिनेट पॉइंट ये हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट यहां पे एक्स टू वाई टू ले लिया, ठीक है,
अब हमें सेक्शन फॉर्मूला से यहाँ से कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे दो या तीन टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करेंगे यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास गिवन क्या हो गया, रेशियो गिवन है, कोऑर्डिनेट ए और बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है। या फिर ये कर सकता है कि यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिए और हमने रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। रेशियो फाइंड करने के लिए फाइंड द रेशियो, तो यहाँ हम क्या लेते हैं, यहाँ एक रेशियो हम के लेते हैं, के रेशियो वन ले लो या एम रेशियो वन ले लेते हैं, ठीक है, वहां से, ताकि हम के की वैल्यू फाइंड कर दे, वो ही हमारे क्या आ जाए, रेशियो आ जाए, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या कर देता है, यहाँ एक्स एक्सिस दे देता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट में एक्स एक्सिस दे देता है या वाई एक्सिस दे देता है। एक्स एक्सिस पे एक्स एक्स ही हो जाएगा, वाई जीरो बन जाएगा, वाई एक्सिस पे वाई वाई ही होगा और एक्स जीरो बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ठीक है, और यहां इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो यहां से एक्स और वाई की हम वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं, यहां पे इंटरनली और एक्सटर्नली और निकालते हैं हम, ठीक है, इंटरनली, लेकिन टेंथ के अंदर बच्चों आपका इंटरनली ही यूज है, एक्सटर्नली का यूज नहीं है, ठीक है। इंटरनली ये होते हैं, इंटरनली में देखिए, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, वहां पे क्या लेंगे, यहां पे हमारा माइनस रेशियो में माइनस आ जाएगा, एक्सटर्नली में, इंटरनली में प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो हमने x फाइंड करना है, तो बच्चों यहां से देखिए, ध्यान से देखना, यहां पे यहां n की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x2 के साथ, m x2, ठीक है, और n की मल्टीप्लाई यहां x1 के साथ, ठीक है, x की फेवर में ले रहे हैं, तो ये x में ही लेंगे, यहां पे आ जाएगा प्लस n x1, और y क्या आ जाएगा, दोनों रेशियो का सम, तो यहां से आ जाएगा m प्लस n, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल जाएगा। y कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, तो y इक्वल टू ये, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, m की मल्टीप्लाई y2 के साथ, ये आ जाएगा m y2 प्लस n की मल्टीप्लाई y1 के साथ कर देंगे, n y1 और डिवाइड में दोनों रेशियो का सम, ठीक है। ये क्या होते हैं, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूले से हम कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और हमने अगर एक्सटर्नली पॉइंट फाइंड करने हैं, तो एक्सटर्नली से इसका हमारे टेंथ में यूज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, इसके अंदर क्या होता है, यहां n माइनस में ले लेते हैं, यहां पे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m x2, यहां माइनस n x1 by m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही y के लिए y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन, तो यहां प्लस का था, तो यहां हम क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे, और नीचे आ जाएगा ये भी m माइनस n हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नली में यहां पे माइनस n होता है, और जब m की मल्टीप्लाई x2 के साथ करेंगे तो m x2 हो गया, और माइनस n की मल्टीप्लाई यहाँ पे x1 के साथ करेंगे तो माइनस एन एक्स वन हो जाएगा, और नीचे m माइनस n दोनों रेशियो का सम लेते थे तो यहाँ पे डिफरेंस बन जाएगा, और ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से n की y2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस n y1, ठीक है, और अपॉन में m माइनस n हो जाएगा। तो बच्चों ये हम किसके लिए करेंगे, सेक्शन फार्मूले से जब हम इसको फाइंड करेंगे, तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 के अंदर जो क्वेश्चन हम उनको सोल्व करेंगे, तो उनको सोल्व करने के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। और मैंने इसके अंदर आपको बता दिया है कि हमने रेशियो फाइंड करने हैं या फिर हमने इसके अंदर कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने हैं तो हमारे पास रेशियो गिवन होगा, ठीक है, और
अगर इसमें से कोई रेशियो जीरो दे रखा है, जैसे एक्स एक्सिस कहता है तो एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होगा, और वाई एक्सिस कहता है तो वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा, ठीक है। तो यहां से हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। ये हम एक्सरसाइज 7.2 के अंदर ये फॉर्मूले यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज 7.3 है, तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं वो देखिए। अब तक आपने किया डिस्टेंस फॉर्मूला, किया सेक्शन फॉर्मूला, किया अब थर्ड देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें पता है, ठीक है बच्चों पता है आपको, मैं मानता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करेंगे, जैसे हमने ये ट्रायंगल ले ली, ठीक है, इसके अंदर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से हमने इसको नाम दिया ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, सभी बच्चों को पता है, पढ़ते आए हो आप छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, पता है मुझे, सभी बच्चों को पता है, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। लेकिन बच्चों हमने यहां पे क्या निकालना है, हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या, ए बी सी, ये तो क्या थी हमारे पास साइड थी, ठीक है। जब हमारे पास साइड गिवन है, बेस गिवन है, हाइट गिवन है ट्रायंगल के अंदर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, तब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से देखिए, ये मैंने एक ट्रायंगल ली, ये ए पॉइंट मान लिया, यहां बी, ये सी ले लिया। ए के मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट लिए एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स टू वाई टू, और सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट ले लिए, तीनों पॉइंटों पे हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट लिए, और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट देखिए, हम मैं यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखता हूं, बिल्कुल इजी है, आपने बिल्कुल आसानी से बताऊंगा कि आपने कैसे इसको लर्न करना है, ठीक है, और इसी को आपने यूज करना है डायरेक्ट। यहां से आ जाएगा, हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसके अंदर देखिए हम लिखेंगे हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू, सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक्स वन, क्या लेना है, एक्स वन इंटू, फिर देखो वन है यहां पे, तो इसके बाद लेंगे वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस, अब हम लेंगे एक्स टू प्लस एक्स टू, और इंटू में आ जाएगा यहां पे टू के बाद वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, और फिर प्लस में लेंगे एक्स थ्री, ठीक है, एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू, आ गया बच्चों समझ में, बिल्कुल इजी है ना। देखो इसको आपने याद कैसे रखना है, इसको याद रखने के लिए देखिए आपने लेना है हाफ इंटू, हाफ इंटू एक्स वन इंटू में, देखो यहां वन टू थ्री ब्रैकेट्स के अंदर वाई टू माइनस वाई थ्री ले लिया, ठीक है, वन टू थ्री बन रहा है, आगे क्या बना है टू थ्री, थ्री के बाद वापिस वन आएगा, तो यहां हमने लिया x1, x1 को याद रखो, फिर y2 माइनस y3 कर दिया, प्लस फिर यहां x2 लिया,
फिर इसके बाद y3 आ गया माइनस y1 हो जाएगा, फिर प्लस हमने x3 लिया, यहां से y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इजी, ये फार्मूला है, आप इसको लर्न करोगे तो बिल्कुल इजी से आप इसको लर्न कर सकते हो। और इसके अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए होंगे, वो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने इसके अंदर वैल्यू रखनी है और इसको सोल्व कर देना है और हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। आ गया बच्चों समझ में? ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड करना है। इसके बाद इसी में हमारा एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक्सरसाइज फर्स्ट में आया था कि टू पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है, या थ्री पॉइंट आर कोलिनियर। इसके अंदर देखिए हमारे पास थ्री पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके अंदर टू पॉइंट्स दे रखे थे, ठीक है, तो यहां से थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो यहां से थ्री पॉइंट्स ट्रायंगल के अंदर, वहां पे हमारे पास लाइन के अंदर था, यहां पे क्या है ट्रायंगल के अंदर है, तो यहां से हमें कोलिनियर निकालना है। तो बच्चों उसमें तो हमने क्या किया था कि हमने ए की लाइन पे लिया था, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के आ जाएगा तो वो कोलिनियर होता है, लेकिन यहां पे वो नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा एरिया ऑफ जो ट्रायंगल का ये जो फॉर्मूला है ये इक्वल टू जीरो के रखेंगे, तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, कोलिनियर, यहां से कोलिनियर कैसे होगा, ये हाफ इंटू एक्स वन प्लस इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये जीरो के इक्वल आ जाता है, तो ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, एक आपने इसमें हमारा इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि आपके पास वैल्यू दे देगा, यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करो या एम की वैल्यू फाइंड करें और थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो यहाँ हम जो वैल्यू है इनकी, के की वैल्यू यहाँ रखेंगे और इक्वल टू उसको क्या रख देंगे, इस फार्मूले को जीरो के इक्वल रख के वहां से वैल्यू के की या जो एम की वैल्यू फाइंड करनी है वो उसको हम फाइंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम इसको फाइंड कर देंगे। एक और इसके अंदर क्वेश्चन हमारा इस टाइप का आता है कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दे दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने कैसे फाइंड करना है, यहां ये कहता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का हमने एरिया फाइंड करना, हमारे पास फोर पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, यहां पे हमने लेट ये कर लिया कि हमारे पास मान लो ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है, और इसके अंदर पॉइंट दे दिए ए बी सी और डी दे दिया, और इसके पॉइंट दे दिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक्स फोर वाई फोर। ठीक है, ये पॉइंट्स दे दिए। अब हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे, तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। हम यहां से क्या कर लेते हैं, एसी को लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो, ध्यान से देखना बच्चों, इसमें देखिए यहां से ए बी सी, ए बी सी क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई, ए डी सी, ए डी सी क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई। ठीक है, दो ट्रायंगल बन गए, तो यहां से हमारे पास इजी हो गया ना इसको फाइंड करना, तो यहां से देखिए ए बी सी, ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी का हम एरिया निकालेंगे, इसी मेथड से निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही ए डी सी तीनों पॉइंटों को लेके यहां से इसी फॉर्मूले से हम इसका एरिया फाइंड कर देंगे, और जहां से दोनों का जो रिजल्ट आएगा, दोनों ट्रायंगलों का जो एरिया हम फाइंड करेंगे, उसे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसका आएगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। आगे समझ में, यहां से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे,
हम क्वाड्रिलेटरल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और दो पार्ट्स हमारे ट्रायंगल के रूप में बन जाएंगे, ठीक है। और टू ट्रायंगल्स बनेंगे, टू ट्रायंगल्स का हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के फॉर्मूले से हम उसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हमने फाइंड करना है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसको बताया है। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस होता क्या है, ठीक है। रोम्बस के अंदर चारों साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। फोर साइड्स आर इक्वल, हमने ये ले लिया, ये रोम्बस है। और रोम्बस के अंदर बच्चों जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स क्या इक्वल नहीं होते, ठीक है। इसको हमने डी वन ले लिया और ये डी टू ले लिया, ठीक है। और ये ए बी सी डी, ये एरिया ऑफ रोम्बस हमने फाइंड करना है। हमने ये रोम्बस लिया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सभी जानते हैं आप, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, जिन बच्चों को पता नहीं है मैंने बता दिया है कि एरिया ऑफ रोम्बस हम क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। अब बच्चों ये डी वन क्या है, डी टू क्या है, डी वन ये डायगनल लिया हमने, डी टू ये दूसरा डायगनल, ठीक है। ये दोनों डायगनल है हमारे, ठीक है। रोम्बस के अंदर टू डायगनल्स होते हैं, तो एक डायगनल हमने डी वन लिया, दूसरा डायगनल डी टू ले लिया, ठीक है। यहां से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने ले तो लिया बच्चों, अब हमें पता नहीं है कि डी वन की वैल्यू क्या है और डी टू की वैल्यू क्या है, वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे, ये एक्स वन वाई वन, यहां से एक्स टू वाई टू दे रखा है, ये एक्स थ्री वाई थ्री और ये एक्स फोर वाई फोर, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको समझाने के लिए ये ऐसे पॉइंट ले रहा हूं, तो आप ये मत मानना कि आपके पास ये ऐसे ही पॉइंट आएंगे तो आप इसका रोम्बस का एरिया फाइंड करोगे, नहीं। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, वन टू थ्री फोर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां से डायगनल डी वन हमने फाइंड करना है, तो डी वन फाइंड करने के लिए यहां से डी बी, डी बी डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। डी बी ही डिस्टेंस फॉर्मूले से, समझ में आ गया, इसे करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपने एक्सरसाइज 7.1 में किया है, तो उस फॉर्मूले से हम डी बी का डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां से क्या निकल जाएगा, डी वन निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एसी जो डायगनल है, यहां से एसी का ये डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एसी, एसी डिस्टेंस फॉर्मूले से, इसको भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ही फाइंड करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, यहाँ पे हमने इसको D2 नाम दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये D2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आप फिर इसकी वैल्यू एरिया ऑफ रोम्बस में रख सकते हो और वहां से एरिया ऑफ रोम्बस आपका निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके फॉर्मूले चैप्टर 7 के अंदर यूज होंगे, जो मैंने आपको बिल्कुल डीपली बताया है। और अगर बच्चों आपने अगर इनको ध्यान से इस वीडियो को देख लिया और इनको ध्यान से आपने कर लिया, तो ये समझो कि आपकी पूरा चैप्टर बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपने ये फार्मूले समझ में नहीं आए तो आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो बच्चों मैं आप सभी से उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा और इन्हीं बेसों पे आपके सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों मैं ऐसे ही आगे हमारी और नेक्स्ट वीडियो आएगी। और आप बच्चों सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरी वीडियो को
और मेरा जो चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।